उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। तिखली में जो कस्टडियल डेथ का जो मामला सामने आया है, उसमें मृतक की मां बार बार ये पुकार लगा रही है कि उसके बेटे ने गले में फांसी लगाकर अपने आप को नहीं मारा है। उसे पुलिस के कामगिरी पे कार्य में शंका जाहिर की है और उसने ये भी कहा है कि उसे न्याय दिलाइए। मृतक की माता ने ये बात कही है, कह रही है, बार बार दोहरा रही है कि जब हम अपने भाई से मिलने गए थे तब उसकी स्थिति बहुत अच्छी थी, अचानक से ऐसा तो क्या हो गया होगा। ये बात मृतक की बहन अपने शब्दों में खुद कह रही और कस्टडियल डेथ के मामले को मात्र एक PSI और दो पुलिस कर्मियों की वजह से उन्हें सस्पेंड भी कराया गया। फिर पुलिस स्टेशन में बनी हुई कस्टडियल डेथ का मामला मृतक की माता और मृतक की बहन ने पुलिस के सामने गंभीर आरोप लगाया है। और दिव्य भास्कर के साथ साथ खास बातचीत में मृतक की माता ने ये भी बताया है कि मेरे बेटे ने पिछले 6 महीनों से वो बीमार था और घर के बाहर काम काज के लिए भी नहीं जा पा रहा था और वघई में भी बाहर नहीं निकल रहा था। उसके बाद चिखली पुलिस में वो कैसे उसे उठा ले गए और मेरे बेटे को पुलिस ने जरूर मारा होगा और जरूर मार डाला होगा, उसे न्याय जरूर मिलना चाहिए, ऐसी मृतक की माता ने अपनी पुकार लगाई है। कल जब दोनों युवकों के मृतदेह को जब गांव में वघई ले जाया गया तो पूरे क्षेत्र में गर्मागर्मी छाया हुआ नजर आया। साथ में ग्रामजनों के लोगों ने पुलिस के खिलाफ काफी गुस्सा दिखाई दिया जताया और मृतक की माता ने और बहन ने पुलिस के कार्य पर भी काफी गर्माहट दिखाई और ये कहा है कि उसके बेटे ने आत्महत्या नहीं करी है। दिव्य भास्कर के सामने अपने हृदय की बात को, अपनी वेदना को उन्होंने अपने शब्दों में कहा है। चिखली पुलिस स्टेशन में कस्टडियल डेथ का मामला काफी गर्माया हुआ है और मृत्यु हुए युवक उसके मौत के बाद समग्र वघई में ये मामला काफी गर्माया हुआ नजर आ रहा है। और सुनील पवार जिसकी मृत्यु हुई है वो वर्षों पहले ही अपने माता पिता की छत्र छाया को भी खो चुके थे। उसके बड़े भाई और काका के घर में रहकर छोटी मोटी मजदूरी करके अपना परिवार और अपनी जिंदगी का गुजारा चला रहे थे। जबकि दूसरा युवक जिसकी मृत्यु हो चुकी है कस्टडियल डेथ के मामले में, जिसका नाम है रवि, वो परिवार का आधार स्तंभ था और रवि की माता नीरू बहन और उसके इस मृत्यु के मामले में योग्य कार्रवाई की जाए और न्याय मिले, ऐसी उसकी मां ने भी मांग की है। मामले में मात्र एक PSI और दो पुलिस कर्मी ही सस्पेंड हुए हैं। पुलिस स्टेशन में कस्टडियल डेथ के इस मामले में चिखली पुलिस इंस्पेक्टर अजीत सिंह बाड़ा लीव रिजर्व में रख दिए गए हैं और जलालपुर के PI PG चौधरी को चिखली ट्रांसफर कर दिया गया है। जबकि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्णय के अभी प्रश्नार्थ लगे हैं और ये आश्चर्य जताया जा रहा है कि जबकि पुलिस कर्मचारियों पर क्यों खाता किया कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। अब तक आदिवासी समाज में ये बात का गुस्सा जाहिर किया है और औपचारिकता के बल पर ये फर्ज के मामले में हुक्म किया जा रहा है और आदिवासी समाज के ऊपर जो गुस्सा जाहिर किया जा रहा है, आदिवासी समाज के लोगों ने पुलिस के इस प्रकार के कार्य से वो आज स्थिति में आ गए हैं और इस मामले को आने वाले दिनों में देखा जा रहा है कि आने वाले समय में इस मामले को एक बड़ा रूप दिया जाएगा, तो इसमें कोई शक नहीं है। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सेल्वम ब्यूरो चीफ नवसारी से संवाददाता सीमा भट्टाचार्य, धन्यवाद। અને આ કેતે કામ પર ની જાય કા ની જાય ઘેરે રે ઘેરે થી આ બાર હમણાં નીકળો અને કેમક રીતે ચોરી ના ફસાવવાની ને કેતે કામ પર જાય કઈ નહીં ને આ જેમ તેમ હુદાય રહ્યો એસટી દન માં જેમ તેમ હુદાય રહ્યો ને હમણાં જે નીકળ્યો આ બાર તો તે આવું કેમ કીધું જમીન વેચીને મેં હુદાય રહ્યો એને ને જેમ તેમ કરીને હમણાં લઈ દેલો સાહેબ મોટો થઈ ગયેલો ને હમણાં એ કર્યો તો આવું કેવું થાય એમ વગર છોડીને તો કેથે જાય નહીં કોઈ ઘેરમાં જાય નહીં તો આવું કેવું ચાને ફસાયું ને આવું કેવું થઈ ગયું એમ। મારું નામ સવિતાબેન, મારો ભાઈ રવિ, એણે મને પોલીસવાળાએ સોમવારથી પકડી લઈ ગયેલો, ઘેરે નહીં આવેલો તો બી અમે
જોવા કાલે ગયેલા બીજાને પકડી લઈ ગયો એના હાથમાં આવું કેવી રીતના થઈ ગયું એ લોકો આવું કેમ કર્યું આજે કહેતા હતા કે જામીન પર લઈ જાને એમ કરીને તમે જા ના હતા એને મળવા જા ના હતા કાલે હું મળવા ગયેલા તો બી હારી રીતના જોયો આવ્યું ને તો બી આવું કર્યું તે કે રીતના આવું થઈ ગયું તે અમને ખબર નહીં પડી અમે એકદમ ગરીબ માણસ અમે ક્યાં જવાના આવું કરે તે લોકો જરાક નાઈ બાપને તો જાણ કરવા જોઈએ ને જાણ કરલે વગરના લઈ જાય તો એવું થોડું ચાલે છે અહીંયા લાવીને અહીંયા માય બાપને નહીં મળે આવ્યું તો પછી કેવી રીતના ચાલે માય બાપને કઈ ખબર પડે પોલીસ વાળા જવા કરે તો પછી ગરીબ લોકો ક્યાં જવાના એ લોકો આવું અમારા ઘેરમાં કોઈ મળે નહીં મારો ભાઈ કામ પર જાને એમ કરીને એને છેતરીને લઈ ગયા ને પકડી લઈ ગયા તેવો ખબર નહીં બીજા દાડે ખબર પડી ત્યારે અમે મળવા ગયા તો હારો હતો ને પછી કે જામીન પર છોડી આપું એમ કે તો છોડી બી નહીં આવી પણ આવું કેવું કર્યું એ લોકોએ વલસાડ મેં પહેલી વાર ગુજ્જુભાઈ રેસ્ટોરન્ટ આપકે લિયે લેકર આયા હૈ કાઠિયાવાડી પંજાબી ચાઇનીઝ ફાસ્ટ ફૂડ ઓર લાઈવ કાઠિયા ભજિયા સ્વાદિષ્ટ ખાને કે સાથ સેલ્ફી પોઈન્ટ ભી અરે કહાં વલસાડ કા નયા ગુજ્જુભાઈ के बाद अब सब कुछ धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है तो रेस्टोरेंट के लिए नई जगह आपके वलसाड़ के आसपास ही आपको मिल रही है पानेरा पार्टी वलसाड़ संपर्क कीजिए नीचे दिए गए संपर्क संख्या पर इस संवाद के सह आयोजक है तन्वी ब्यूटी पार्लर मिली मोरा इस चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद